हेलो एवरीवन, क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी, क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी के पार्ट वन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट वन का हम लगातार कई वीडियो प्रोवाइड करा दिए हैं। ये अगला वीडियो है जिसमें देखिए हमको इस वीडियो में हमको पढ़ना क्या है। इस वीडियो में हमको पढ़ना है किशोरावस्था। क्या पढ़ना है? किशोरावस्था। यदि किशोरावस्था का यदि हम संधि विच्छेद करें तो होगा किशोर प्लस अवस्था। क्या होगा? किशोर प्लस अवस्था। तो ध्यान से सुनिए, इसमें क्या पढ़ना है। तो जीवों में वैसी स्थिति, जीवों में वैसी स्थिति जिसमें जीव का जनन ग्रंथि विकसित होने लगता है, उसी अवस्था को, उस जीव का किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था क्या है? तो किसी जीव में जनन ग्रंथि का विकसित होना ही उस जीव का किशोरावस्था कहलाता है। आप इस तरह भी डिफिनेशन दे सकते हैं, ठीक है। किसी जीव में जनन ग्रंथि का विकसित होना ही उस जीव का किशोरावस्था कहलाता है, ठीक है। तो किशोरावस्था में हम ना बालक को, लड़का को किशोर कहते हैं और लड़की को किशोरी कहते हैं। याद रखिएगा, किशोरावस्था में लड़का को किशोर कहते हैं और लड़की को किशोरी कहते हैं, ठीक है। किशोरावस्था देखिए, यह अवस्था पुरुष में 13 से 15 वर्ष की आयु से शुरू हो जाता है। याद रखना है, पुरुष में किशोरावस्था कब शुरू होता है? 13 से 15 वर्ष की आयु में, तथा स्त्री में 12 से 14 वर्ष की आयु में शुरू होता है। मतलब ना, किशोरावस्था में जो स्त्री होती है वो पहले आती है और उसके 1-2 साल के बाद पुरुष आते हैं। याद रखिएगा, स्त्री जो का जो किशोरावस्था होता है कितना होता है? 12 से 14 वर्ष, और पुरुष का कितना होता है? 13 से 15 वर्ष, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। किशोरावस्था के समय हमारे शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं। किशोरावस्था के समय हमारे शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं और ये बदलाव ना जनन हार्मोन के कारण होता है। किसके कारण होता है? जनन हार्मोन के द्वारा, ठीक है। और हार्मोन क्या है? हार्मोन एक कार्बनिक पदार्थ है जिसके हमारे शरीर में बढ़ने से ही प्रॉब्लम है और घटने से भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हमारे शरीर में जो हार्मोन होता है यह अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है। किस ग्रंथि से निकलता है? अंतःस्रावी ग्रंथि। हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं? कार्बनिक पदार्थ। और यह एक तरह का प्रोटीन ही है जिसके बढ़ने से ही प्रॉब्लम है और घटने से भी प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ जो है, यहाँ पे मास्टर ग्रंथि है जिसको हम पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। इस यह भी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इस ग्रंथि से भी हार्मोन निकलता है और इस ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शरीर की सभी ग्रंथियों पर अपना नियंत्रण रखती है, ठीक है। इसके थोड़ा सा नीचे एक गला में, यहाँ पे क्या होता है? थायरॉइड ग्रंथि। क्या होता है? गला में जो होता है थायरॉइड ग्रंथि होता है, ठीक है। और थायरॉइड ग्रंथि से थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलता है और ये हमारे शरीर के विभिन्न विभिन्न कार्यों में सहायता करता है। यदि हमारे शरीर में आयोडीन की कमी होगी, आयोडीन की हमारे शरीर में कमी होगी तो ये थायरोक्सिन हार्मोन जो होगा ये निकल नहीं पाएगा। आयोडीन क्या करता है? आयोडीन जो है थायरॉइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन को निकालता है। लेकिन यदि हमारे शरीर में हार्मोन की कमी होगी, सॉरी आयोडीन की कमी होगी, किसी कमी होगी? आयोडीन की कमी होगी तो थायरोक्सिन नामक हार्मोन नहीं निकल पाएगा, जिसके कारण ना थायरॉइड जो ग्रंथि है यह प्रेशर खूब बनाएगा। इतना प्रेशर बनाएगा कि गला जो होगा फूल जाएगा, सूज जाएगा, जिसको हम घेंघा या गलगंड बीमारी कहते हैं। और यह बीमारी ऐसे तो लोग बोलता है आयोडीन की कमी से होती है, लेकिन यह जो बीमारी है, सही बात है, आयोडीन की कमी से होती है, लेकिन मेन जो है थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से ही बीमारी होती है, ठीक है। तो इसके नीचे जो थोड़ा सा और नीचे आएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे होता है पाराथायरॉइड ग्रंथि। क्या होता है? पाराथायरॉइड ग्रंथि होता है। फिर यहाँ पे होता है एड्रिनल ग्रंथि, उसको अग्नाशय ग्रंथि, और सबसे लास्ट में होता है जनन ग्रंथि, ठीक है। तो हम जनन ग्रंथि के बारे में इस पाठ में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, किशोरावस्था के समय हमारे शरीर में जो बदलाव होते हैं वे जनन अंतःस्रावी ग्रंथि से होते हैं और उससे जो हार्मोन निकलते हैं उसे हम जनन हार्मोन कहेंगे, ठीक है। तो यह हार्मोन कब निकलते हैं? तो पुरुष में
13 से 15 वर्ष की उम्र से और स्त्री में 12 से 14 वर्ष की उम्र में से। और इस अवस्था को ही हम किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था में पुरुष को किशोर और स्त्री को किशोरी कहते हैं, ठीक है। तो हम इस तरह आगे बढ़ते, एक नोट है, इस नोट को आपको याद रखना पड़ेगा। एक स्वस्थ महिला 50 से 55 वर्ष की आयु तक वह बच्चे को जन्म दे सकती है, यदि स्वस्थ होगी तो। हेल्दी वुमेन 50 से 55 वर्ष की उम्र तक एक बच्चे को जन्म दे सकती है, ठीक है। हमको अगला क्वेश्चन पढ़ना है। ये जो क्वेश्चन है बोर्ड मॉडल टाइप के क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछ लिया गया है और इसका क्वेश्चन में ही आंसर है, यदि आप ध्यान से देखिएगा तो। क्वेश्चन है रजोदर्शन तथा रजोनिवृत्ति में क्या अंतर है। देखिए दर्शन और यहाँ पे लिखा है निवृत्ति, दोनों जगह रजो है लेकिन एक जगह दर्शन है और एक जगह निवृत्ति है। तो देखिए किशोरावस्था में जो हमारे शरीर में बदलाव होता है, जैसे हल्का हल्का दाढ़ी मूछ दिखाई देता है, थोड़ा सा ये बड़ा हो जाता है, आवाज़ में भारीपन आ जाता है, तो बच्चा पर रोम आने लगते हैं, तो इस बदलाव को थोड़ा थोड़ा बदलाव शुरू होगा तो स्टार्टिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, रजोदर्शन। अब पूर्ण रूप से जो बदलाव हो जाएगा तो उसको हम बोल रहे हैं रजोनिवृत्ति। तो आप यहाँ पर दोनों में अंतर देख सकते हैं, रजोदर्शन और रजोनिवृत्ति में अंतर निम्न है। किशोरावस्था के समय हमारे शरीर में जो बदलाव होता है उसे रजोदर्शन कहते हैं, जैसे दाढ़ी मूछ का हल्का हल्का दिखाई देना, मतलब अभी स्टार्टिंग में हमारे शरीर में जो बदलाव शुरू हुआ है उसी स्टार्टिंग को हम क्या बोलेंगे, रजोदर्शन, ठीक है। किशोरावस्था के समय हमारे शरीर में जो बदलाव शुरू होते हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं, रजोदर्शन, जैसे दाढ़ी मूछ का हल्का हल्का दिखाई देना। और भी उदाहरण हम ले सकते हैं, लेकिन किशोरावस्था के बाद जो हमारे शरीर में पूरी तरह बदलाव हो जाता है उसे हम रजोनिवृत्ति कहते हैं, जैसे दाढ़ी मूछ का पूरी तरह निकल जाना। तो हमारा दाढ़ी मूछ पूरी तरह निकल गया है, इसलिए हम जो है होंगे हम रजोनिवृत्ति में होंगे, ना कि रजोदर्शन में, ठीक है। तो आपको आपसे पूछा जाए कि एक 16 साल का बालक है, तो उस बालक को आप रजोनिवृत्ति में रखिएगा कि रजोदर्शन में रखिएगा, तो उसको हम रखेंगे रजोदर्शन में, ठीक है। क्योंकि 16 साल का बालक का पूर्ण रूप से दाढ़ी मूछ नहीं आता है, हल्का हल्का प्रतीत होता है, ठीक है। तो किशोरावस्था में हमारे शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं, जैसे में दाढ़ी मूछ का हल्का हल्का आना, ठीक है। त्वचा जो है त्वचा तेलीय रहती है, फेस पर पिंपल आता है, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है लड़कों में और लड़कों का आवाज़ थोड़ा भारी हो जाता है, ये हाथ में और ये पैर में खासतौर पर जांघा टाइप में थोड़ा बड़ा बड़ा बाल निकलने लगता है, ये जो चेस्ट है यहाँ पर बाल आने लगता है, ठीक है। और तरह तरह के बदलाव होते हैं हमारे शरीर में, ठीक है। तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, लेकिन इस पॉइंट को आपको याद रखना पड़ेगा, ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, रजोदर्शन एवं रजोनिवृत्ति में क्या अंतर है, ठीक है। दोनों बहुत सिंपल है। अब हमको पढ़ना है कायिक पर्वावस्था, जिस तरह जीवों में किशोरावस्था होता है, जीवों में क्या होता है किशोरावस्था, उसी तरह पेड़ पौधों में होता है कायिक पर्वावस्था। जीवों में जनन ग्रंथि का विकसित होना ही किशोरावस्था कहलाता है, तो उसी तरह पेड़ पौधों में जनन ग्रंथि का विकसित होना ही कायिक पर्वावस्था कहलाता है, ठीक है। किशोरावस्था में जीव जंतु आएंगे और कायिक पर्वावस्था में पेड़ पौधे आएंगे, दोनों का लगभग डिफरेंस सेम है। जीवों में वैसी स्थिति जब उसमें जनन ग्रंथि विकसित होने लगेगी, पूर्ण रूप से तैयार होने लगेगी, उसी को हम क्या बोलेंगे किशोरावस्था। लेकिन इसमें क्या होगा, पेड़ पौधों में भी जनन ग्रंथि का विकास होना कायिक पर्वावस्था कहलाता है, ठीक है। इसके कारण ही पौधों में जनन की प्रक्रिया शुरू होती है और फल फूल खिलने लगते हैं, ठीक है, और फरने लगते हैं। अगला पॉइंट है हमारा शुक्राणु जनन, क्या है शुक्राणु जनन, इस पॉइंट में हम पढ़ेंगे शुक्राणु जनन के बारे में, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, पहले शुक्राणु जनन पढ़ने से पहले हम युग्मक जनन पढ़ लेते हैं। युग्मक जनन क्या है, तो देखिए जीवों में जनन ग्रंथि को विकसित होकर युग्मकों का निर्माण ही युग्मक जनन कहलाता है। शॉर्ट में बोल सकते हैं आप, युग्मकों का निर्माण ही युग्मक जनन कहलाता है, युग्मकों का निर्माण ही युग्मक जनन कहलाता है, ठीक है।
तो युग्मक क्या है, तो आपको पहले ही हम बता चुके हैं, जीव में नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं, मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं, और पौधा में नर युग्मक को पुमंग या पुंकेसर कहते हैं, मादा युग्मक को जयांग या स्त्री केसर कहते हैं, और सब क्या है, अगुणित है, स्मॉल एन, ठीक है। युग्मक जनन को भी दो भागों में बांटा गया है, पहला भाग है शुक्र जनन और सेकंड वाला भाग है अंड जनन, ठीक है। तो शुक्राणु का निर्माण ही शुक्र जनन कहलाता है और अंडाणु का निर्माण ही अंड जनन कहलाता है। इसके बाद हम आगे वाला पॉइंट देखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है हमारा शुक्र जनन, क्या है, शुक्र जनन। अभी हम पढ़े थे युग्मक जनन क्या है, और युग्मक जनन का हम प्रकार में पढ़े थे कि युग्मक जनन का दो गो प्रकार है, पहला प्रकार का नाम है शुक्र जनन और दूसरा प्रकार का नाम है अंड जनन, ठीक है। तो फर्स्ट में हम शुक्र जनन पढ़ेंगे, देखिए ध्यान से। शुक्राणु का निर्माण ही शुक्र जनन कहलाता है, शुक्राणु का निर्माण ही शुक्र जनन कहलाता है, ठीक है। और शुक्राणु होता कहाँ है, तो देखिए ध्यान सुनिए, शुक्राणु शुक्राशय में होता है या वीर्य में होता है, और ये वीर्य कहाँ होता है, तो वृषण में। और इस तरह पूछेगा कि शुक्राणु की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो शुक्राणु की उत्पत्ति वृषण से होती है, ठीक है। और शुक्राणु होता कहाँ है, तो वीर्य में, और वीर्य कहाँ होता है, शुक्राशय में, और शुक्राशय कहाँ होता है, वृषण में, ठीक है। तो बाई ऑप्शन बनेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, शुक्राणु का निर्माण ही शुक्र जनन कहलाता है, शुक्राणु शुक्राशय और शुक्राशय वृषण में पाया जाता है या शुक्राणु वीर्य में पाया जाता है, ठीक है। और ये शुक्राणु कब बनता है, किशोरावस्था के बाद बनता है, किशोरावस्था के पहले नहीं बनता है, क्योंकि किशोरावस्था के पहले जनन ग्रंथियाँ परिपक्व नहीं होती है। जब जनन ग्रंथियाँ परिपक्व हो जाती है तो वीर्य निकलता है और उसी वीर्य में शुक्राणु पाया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, और शुक्राणु पुरुष में होता है। अगला पॉइंट है अंड जनन। अंड जनन क्या है, अंडाणु का निर्माण ही अंड जनन कहलाता है, अंडाणु का निर्माण ही अंड जनन कहलाता है। इसकी उत्पत्ति अंडाशय में होती है, और अंडाशय कहाँ होता है, फैलोपियन नलिका में। अंडाशय कहाँ होता है, फैलोपियन नलिका में होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है लैंगिक जनन की घटनाएं। लैंगिक जनन की घटनाएं, लैंगिक जनन की घटनाओं को तीन भागों में बांटा गया है, याद रखिएगा, लैंगिक जनन की घटनाओं को तीन भागों में बांटा गया है। और इससे रिलेटेड सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, जो कि हर साल आता है, दो तीन नंबर का, इसको आप ध्यान से देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लैंगिक जनन की घटनाओं को तीन भागों में बांटा गया है, पहला है निषेचन पूर्व घटनाएं। क्वेश्चन में ही आंसर है, निषेचन पूर्व घटना, यानी ये निषेचन के पहले घटित होती है, ठीक है। सेकंड नंबर में क्या है, निषेचन, और थर्ड में क्या है, निषेचन पस घटनाएं, मतलब ये निषेचन के बाद होती है। पहला हम पढ़ेंगे निषेचन पूर्व घटनाएं, तो वैसी घटनाएं जो निषेचन के पहले होती है, ये घटनाएं निषेचन से पहले घटित होती है, जैसे में युग्मक जनन। निषेचन क्या है, पहले निषेचन का डिफिनेशन आप समझिए, नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना ही निषेचन कहलाता है। और जब नर युग्मक नहीं रहेगा, मादा ही युग्मक नहीं होगा, तो निषेचन की प्रक्रिया होगी, कदापि नहीं होगी। इसलिए पहले नर युग्मक बनता है, मादा युग्मक बनता है, तब जाके निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो नर युग्मक बनने की प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, निषेचन पूर्व घटना, और मादा युग्मक की बनने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, निषेचन पूर्व घटना। यहाँ देखिए, ये घटनाएं निषेचन से पहले घटित होती है, जैसे में युग्मक जनन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा कि इनमें से कौन निषेचन पूर्व घटनाएं हैं, तो आपको युग्मक जनन या शुक्र जनन या अंड जनन टिक करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो तीनों प्रक्रियाएं हैं, युग्मक जनन, शुक्र जनन और अंड जनन, ये तीनों के तीनों प्रक्रियाएं निषेचन से पहले घटित होती है। कब घटित होती है, निषेचन के पहले, ठीक है। तो इनमें से कौन निषेचन पूर्व घटना है, तो फर्स्ट में युग्मक जनन, सेकेंड में अंड जनन, और थर्ड में शुक्र जनन, और डी चौथा में दिया हुआ है इनमें सभी, तो आप किस पर टिक कीजिएगा, इनमें सभी पर टिक कीजिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है निषेचन, नर युग्मक तथा मादा युग्मक का मिलना ही निषेचन कहलाता है, नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना ही
निषेचन कहलाता है, और निषेचन के बाद क्या बनता है, इगुमोनस यानी जाइगोट का निर्माण होता है, और इसी में बदलाव होता है तो ये भ्रूण बनता है, गर्भ बनता है, शिशु बनता है, और उसके बाद बच्चा का जन्म होता है। तीसरा पॉइंट है निषेचन पश घटनाएं, तो ये घटनाएं निषेचन के बाद घटित होती है। तो क्या होगा, युग्मनज यानी जाइगोट, भ्रूण, गर्भ, शिशु और दुग्ध स्राव काल, ये सही प्रक्रिया जो है निषेचन के बाद घटित होती है। ठीक है, जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिल जाता है तो ही युग्मनज का निर्माण होता है, तो ही भ्रूण का निर्माण होता है, तो ही गर्भ का निर्माण होता है, तो ही शिशु का निर्माण होता है, और तो ही दुग्ध स्राव काल का निर्माण होता है। तो पांचों के पांचों प्रक्रियाएं जो है निषेचन पश घटनाएं हैं। तो ये तीनों में से तो नहीं, ये फर्स्ट नंबर और ये थर्ड नंबर में से पूछ सकता है, इनमें से कौन निषेचन पूर्व घटना है, इनमें से कौन निषेचन पश घटना है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। और एक बात याद रखना है, निषेचन की खोजना जो है वह नवासिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, अगला पॉइंट है दोहरा निषेचन या द्विव निषेचन क्या है। हम दोहरा निषेचन को द्विव निषेचन भी कहते हैं। ठीक है, इसकी खोज नवासिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। दोहरा निषेचन की खोज नवासिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, जब दो शुक्राणु दो अंडाणु से मिलते हैं, जब दो नर युग्मक मादा युग्मक से मिलते हैं, इसी प्रक्रिया को द्विव निषेचन या दोहरा निषेचन कहते हैं। इस प्रक्रिया में दो युग्मनज यानी दो जायगोट का निर्माण होता है, और इस तरह दो संतान का भी निर्माण होता है, और द्विव निषेचन के कारण ही जुड़वा बच्चों का जन्म होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन में ही आंसर है, और इससे पूछता भी है, सब्जेक्टिव में भी पूछता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। क्वेश्चन है सम युग्मक तथा विषम युग्मक में क्या अंतर है, सम युग्मक और विषम युग्मक में क्या अंतर है। सम युग्मक का मतलब एक समान, विषम युग्मक का मतलब अलग अलग। देखिए, कुछ जीवों तथा पौधों के नर तथा मादा युग्मक एक समान होते हैं, इसे ही सम युग्मक कहते हैं। जैसे शैवाल, शैवाल में कौन शैवाल, क्लेमाइडोमोनास, शैवाल में कौन शैवाल, क्लेमाइडोमोनास में जो ये नर युग्मक है और ये मादा युग्मक है, दोनों चित्र को आप ध्यान से देखिए, ये नर युग्मक है और ये मादा युग्मक है, दोनों का चित्र सेम है। ठीक है, तो वैसा जीव जिसका नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों समान हो, उसके युग्मक को हम सम युग्मक कहेंगे। ठीक है, आपको इस बात को याद रखना होगा। विषम युग्मक क्या है, कुछ जीवों तथा पौधों के नर युग्मक अलग होते हैं और मादा युग्मक भी अलग होते हैं, इसे ही हम विषम युग्मक कहते हैं। जैसे मनुष्य का ले लीजिए, हम नर युग्मक है और ये मादा युग्मक है, दोनों में काफ़ी भिन्नता है, ये नर युग्मक है और ये मादा युग्मक है, दोनों में काफ़ी भिन्नता है। ठीक है, तो यदि दोनों का युग्मक सेम होगा तो सम युग्मक, और अलग होगा तो विषम युग्मक। ठीक है, तो आप ऐसे ही हमारे वीडियो पर लगातार बने रहिए, हम आपको लाइन बाय लाइन सारा बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन और पूरा लाइन बाय लाइन हम एनसीईआरटी के बुक से पढ़ा रहे हैं, पूरा एको थ्योरी ना छोड़ेंगे। ठीक है, तो आप हमको सपोर्ट कीजिए और अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, हम आपको पूरा बायोलॉजी 100% ख़त्म करा के देंगे। ठीक है, इस तरह मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, तो अभी हमने निषेचन पढ़ा, अब हम निषेचन का प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए निषेचन के प्रकार निषेचन है क्या, तो नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना ही निषेचन कहलाता है। ठीक है, और निषेचन के बाद ही जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण होता है, और जाइगोट को हम क्या बोलेंगे, द्विगुणित बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों युग्मक का अंश है। निषेचन को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। निषेचन को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में। पहला है अनिषेक जनन, दूसरा है बाह्य निषेचन, और तीसरा है आंतरिक निषेचन। हम पहला भाग पढ़ेंगे जिसका नाम है अनिषेक जनन। क्या नाम है, अनिषेक जनन। इसका डिफिनेशन पढ़ेंगे, कुछ जीवों में निषेचन के बिना ही, कुछ जीवों में निषेचन के बिना ही नए जीवों का निर्माण हो जाता है, उस जीव को हम अनिषेक जीव कहेंगे
और उस प्रक्रिया को हम अनिषेक जनन कहेंगे। देखिए यहाँ पर देखते हैं डिफिनेशन क्या है, कुछ जीवों में निषेचन के बिना ही संतान की उत्पत्ति हो जाती है, उस जीव को अनिषेक जीव तथा उस प्रक्रिया को हम अनिषेक जनन कहेंगे। और पूछेगा कि इनमें से कौन अनिषेक जीव है, तो आपको टिक लगाना होगा मधुमक्खी पर, रोटी फर्स पर, टर्की पक्षी पर, कुछ छिपकलियों पर। ठीक है, मधुमक्खी में भी अनिषेक जनन होता है, रोटी फर्स जो कीटाणु है इसमें भी अनिषेक जनन होता है, और टर्की या एक मुर्गी के तरह ही देखने वाला पक्षी है जिसका पंख का कलर अलग अलग होता है, इस पक्षी में भी अनिषेक जनन होता है, और कुछ लिजार्ड जो है, छिपकलिया जो है, उनमें भी अनिषेक जनन होता है। तो सवाल इस टाइप का आता है, आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देख सकते हैं, क्वेश्चन बैंक में इस टाइप के क्वेश्चन दिखेगा आपको कि इनमें से कौन अनिषेक जीव है, इनमें से कौन अनिषेक जीव है, इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा, या फिर इनमें से किस में अनिषेक जनन होता है, इनमें से किस में अनिषेक जनन होता है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो इस तरह हम पहला भाग पढ़ लिए, अनिषेक जनन क्या है, तो जीवों में निषेचन के बिना ही संतान की उत्पत्ति होना ही अनिषेक जनन कहलाता है। अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे जिसका नाम है बाह्य निषेचन। क्वेश्चन में ही आंसर है, बाह्य निषेचन जो है शरीर के बाहर होता होगा और आंतरिक निषेचन जो है ये शरीर के अंदर होता होगा। ठीक है, कुछ जीवों में निषेचन की प्रक्रिया शरीर से बाहर होती है, उस प्रक्रिया को हम बाह्य निषेचन कहते हैं, इसमें शैवाल, मछली और जो उभयचर प्राणी है, उभयचर प्राणी का मतलब क्या, वैसा जीव जो जल पर जल में भी आसानी से रह सकता है और थल पर भी आसानी से रह सकता है उसे हम उभयचर कहते हैं, जैसे मेंढक, कछुआ। ठीक है, याद रखना है कि शैवाल में, मछली में और उभयचर प्राणी में क्या होता है, तो बाह्य निषेचन होता है। तो पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि इनमें से किस जीव में बाह्य निषेचन होता है, तो आपको किस पर टिक लगाना पड़ेगा, आपको शैवाल, मछली और उभयचर प्राणी पर टिक लगाना पड़ेगा। उभयचर प्राणी ना लिखा होगा तो इसका कुछ उदाहरण होगा, जिसे में कछुआ, कछुआ, सांप, कुछ मछली। ठीक है, अगला तीसरा पॉइंट है आंतरिक निषेचन। कुछ जीवों में निषेचन की प्रक्रिया शरीर के अंदर होती है, उस प्रक्रिया को हम आंतरिक निषेचन कहते हैं, जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, इसमें हम इसमें क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है। तो आंतरिक निषेचन का डिफिनेशन तक कोई भी बता देगा आपको, बाहरी निषेचन का डिफिनेशन जो है, उदाहरण जो है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आंतरिक निषेचन का तो एग्जाम्पल बहुत सारा पड़ा हुआ है, बाहरी निषेचन का आपको उदाहरण याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, और हाँ यह जो है लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का, ऐसा ही आप सपोर्ट कीजिए हमारा, और यदि आप चैप्टर 2 का वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम जल्दी ही चैप्टर 2 का भी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे आपको। ठीक है, भ्रूण दो है, अगला पॉइंट है भ्रूणों दबाव, क्या नाम है इसका, भ्रूणों दबाव, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, भ्रूण प्लस उद्भव, यानी भ्रूण का विकास ही भ्रूणों दबाव कहलाता है। ठीक है, और भ्रूण का हम लिंग निर्धारण कर सकते हैं, भ्रूण का हम लिंग निर्धारण कर सकते हैं, मतलब जांच कर सकते हैं भ्रूण को देख करके कि यह लड़का है या फिर लड़की है, मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो भ्रूण का उद्भव यानी भ्रूण का विकास ही भ्रूणोद्भव कहलाता है, और भ्रूण को देख करके हम बता सकते हैं कि ये पुरुष है कि स्त्री है, मेल है कि फीमेल है। ठीक है, इसी रचना से शिशु का निर्माण होता है, भ्रूण से ही शिशु का निर्माण होता है। ठीक है, और कुछ लोग क्या करते हैं, गर्भ में ही भ्रूण का चेकअप करा लेते हैं कि ये बबुआ है कि बबुनी है, और गर्भ में ही बच्चों को मार देते हैं, गर्भ में बच्चों को मारना ही भ्रूण हत्या कहलाता है। ठीक है, और ये भ्रूण हत्या जो है महापाप है, यह एक मर्डर है और ये कानूनन अपराध भी है। ठीक है, भ्रूण हत्या जो है कानूनन अपराध है। अगला पॉइंट है हमारा अंडपरजक क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में ही आंसर है अंडपरजक क्या है, अंडपरजक हम जरायुज प्राणी भी कहते हैं, अंडे देने वाले जीव को अंडपरजक या जरायुज प्राणी कहते हैं, इनका बाहरी कान जो होता है नहीं दिखता है। देखिए, यदि पता करना हो कि यह जो जीव है अंडा देता है कि बच्चा देता है, तो उस जीव को आप ध्यान से देखिए, उस जीव का यदि बाहरी कान दिखाई दे रहा है तो वह अंडे देता
नहीं होगा, वह बच्चे देता होगा, और जिसका बाहरी कान दिखाई नहीं दे रहा है वह अंडे देता होगा, बच्चे नहीं देता होगा। ठीक है, डाउट क्लियर हो गया। देखिए कान सबका होता है, मुर्गी को भी देखिएगा, मुर्गी का भी कान होता है, लेकिन उसमें कान के जब वो छोटे छोटे से बिल होता है, ये बाहरी कान नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जिस मादा जीव का बाहरी कान दिखाई दे रहा है वो बच्चे देता होगा, और जिस मादा जीव का बाहरी कान नहीं दिखाई दे रहा है वह क्या देता होगा, अंडा। ठीक है, चूहा का भी बाहरी कान दिखाई देता है, चूहा भी बच्चे देता है, गाय भी बच्चे देती है, गाय का भी बाहरी कान दिखाई देता है, भैंस का भी बाहरी कान दिखाई देता है, भैंस भी बच्चे देती है, लेकिन सांप का, कुछ छिपकलियों का, सब छिपकली का, मगरमच्छ का बाहरी कान नहीं दिखाई देता है, ये अंडे देता है। ठीक है, और अधिकांश पक्षी का, सभी पक्षी अंडे देते हैं। आप बोलिए चमगादड़ का, चमगादड़ पक्षी थोड़ी ना है, चमगादड़ मैमिलिया में आता है, इसका पंख है लेकिन ये पक्षी नहीं है, यह स्तनधारी जीव में आता है। अगला पॉइंट है हमारा सजीव परजक प्राणी, बच्चे देने वाले जीव को सजीव परजक प्राणी कहते हैं, इनका बाहरी कान दिखता है, इसे मनुष्य, गाय, भैंस, लोमड़ी, चूहा, चमगादड़ आदि। इस तरह पार्ट वन आपका समाप्त हुआ। हम जितना भी आपको पढ़ाए हैं वीडियो में, ये सारे के सारे हम लिखे हैं, इसको पोस्ट कर करके आप कॉपी में नोट कीजिएगा, तो आपका तैयारी काफी बेहतर होगा और आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह आप हमको सपोर्ट करते रहिए। तो मिलते हैं चैप्टर 2 के वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ठीक है।